आज हम संपत्तियों का मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। तो संपत्तियों के मूल्यांकन में सबसे पहले हम जानेंगे ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन जानेंगे, ख्याति क्या है और किस विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन होता है। ख्याति का मूल्यांकन चार विधियों द्वारा होता है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले ख्याति के बारे में। ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इसका संबंध संस्था के लाभ से होता है। यह संस्था के लाभ पर ही आधारित होते हैं। अगर संस्था के बुरे दिन आता है तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। किसी संस्था में अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। जी हाँ, आपके मन में एक सवाल खटकता होगा, जो ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है। तो ख्याति का मूल्यांकन विशेष उद्देश्य से किया जाता है, जैसे व्यवसाय को क्रय करते समय, जब नए साझेदार फर्म में प्रवेश करते हैं उस समय, या किसी साझेदार की मृत्यु के समय, अवकाश ग्रहण के समय। ख्याति का मूल्यांकन सामान्यतः प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता है। जब व्यवसाय में लाभ की मात्रा पर्याप्त हो तो ख्याति की रकम अपलिखित कर देना अच्छी मानी जाती है। ख्याति के मूल्यांकन की प्रमुख विधियां हैं, तो आइए हम जानते हैं उन प्रमुख विधियां के बारे में। जी हाँ, ख्याति के मूल्यांकन के प्रमुख चार विधियां हैं, तो आइए हम जानते हैं उन चारों विधियों के बारे में। तो पहला है औसत लाभ विधि, दूसरा है अधिलाभ विधि, तीसरा है पूंजीकरण विधि और चौथा वार्षिक वृद्धि विधि। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले औसत लाभ विधि के बारे में। औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। औसत लाभ विधि के अंतर्गत ख्याति के मूल्यांकन का आधार लाभ होता है, और इस विधि के अंतर्गत कई वर्षों के लाभ का औसत निकाल कर और उस औसत को एक निश्चित राशि से गुणा करके ख्याति की राशि ज्ञात किया जाता है। तो आइए दूसरा जानते हैं अधिलाभ विधि के बारे में। अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ के अधिक को अधिलाभ विधि कहते हैं, जो किसी संस्था के विशेष गुण के कारण प्राप्त होता है। इस अधिलाभ को एक निश्चित राशि से गुणा करके ख्याति की राशि प्राप्त किया जाता है। तो आइए जानते हैं तीसरा, पूंजीकरण विधि के बारे में। पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत भी सबसे पहले अधिलाभ की रकम को ही ज्ञात किया जाता है, और इस अधिलाभ को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थापक को जो अतिरिक्त पूंजी लगानी पड़ती है उससे ही अधिलाभ के पूंजीकरण कहते हैं। तो आइए जानते हैं चौथा, वार्षिक वृद्धि विधि के बारे में। वार्षिक वृद्धि विधि, एन्यूटी मेथड। इस विधि के अंतर्गत भी ख्याति का मूल्यांकन के आधार अधिलाभ ही है। इसमें अधिलाभ विधि के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन सर्वप्रथम किया जाता है, और इसके पश्चात उसे एक निश्चित दर पर निश्चित राशि अवधि के वार्षिक से गुणा करके ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में केवल थ्योरी बतलाया हूँ, और इससे जो अगला वीडियो में वाला हूँ उसमें मैं आपको प्रत्येक टाइप पे चार पांच प्रैक्टिकल क्वेश्चन बतलाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा।